गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोग का चैनल में स्वागत है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो एंड तक देखना। दोस्तों, द हिंदू बिजनेस लाइन की हमारी जो सीरीज है, इसके अंदर हम 19 अक्टूबर 2021 का जो क्या काम की बातें इस पर्टिकुलर पेपर में वो देखने वाले हैं। तो नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और चैनल से जुड़ जाए फ्रेंड्स। सबसे पहले एक न्यूज आया दोस्तों, मोर देन 2 लाख क्रिप्टो करेंसी अकाउंट ब्लॉक्ड इन इंडिया और 6 मंथ्स। देखो, इस आर्टिकल में बोल बच्चन करी गई है कि ये सब ब्लॉक हुआ वैसे हुआ। अपन को जो काम की बात हो वो देख लेते हैं। इसमें एक एक सिर्फ छोटा सा पॉइंट काम का है। तो आपको जो चीज याद रखनी है ये बस ये जो हाईलाइट में है कि इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन नहीं है, ठीक है। और आरबीआई ने काफी बार वार्निंग भी दी है कि ये काफी वोलेटाइल है, आप अपना पैसा लूज कर सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट का स्टेंस के ऊपर बाकी है। तो आपको सिर्फ यही चीज याद रखनी है, इसके अलावा और कोई मुद्दा काम का नहीं इसमें से। अभी चलते हैं सीडीएसएल। सीडीएसएल चर्चा में है। तो दोस्तों, सीडीएसएल की पहले तो फुल फॉर्म पूछ सकता है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है। ये डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली एक संस्था है। हम बात करते हैं सीडीएसएल की बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। 1999 में एस्टेब्लिश हुई थी और दोस्तों इसके हेडक्वार्टर मुंबई में, याद रखना। सीडीएसएल का हेडक्वार्टर पूछे तो मुंबई टिक कर देना। और फिलहाल अगर प्रमोशंस की बात करें तो ब्लीडिंग बैंकिंग सेक्टर से इसके प्रमोटर्स बेसिक ओनर्स हैं। अभी यूपीएससी में साल पूछा था सीडीएसएल के बारे में कि सीडीएसएल आरबीआई ने एस्टेब्लिश किया, ये सब चीजें हैं तो काफी इंपॉर्टेंट है। सीडीएसएल कई बार फुल फॉर्म पूछी भी गई है, ठीक है। तो बेसिकली सीडीएसएल की कुछ चर्चा में क्यों आया है वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। नीचे दिया गया है, यहाँ पे आप देख रहे हो टीपीएन का एक चर्चा दिया गया है। द प्रॉब्लम स्टार्टेड विद सीडीएसएल नॉट बीइंग एबल टू प्रोसेस टीपीएन फॉर सेलिंग स्टॉक्स, ठीक है। अब टीपीएन क्या होता है भाई, टीपीएन क्या होता है? टीपीएन एक 6 डिजिट का पासवर्ड होता है जो हर एक क्लाइंट के लिए यूनिक रहता है। इसका काम क्या आता है, बेसिकली जो ब्रोकर है अगर वो एक अकाउंट से स्टॉक्स को डेबिट करना चाहता है तो उसके लिए उसको टीपीएन की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसलिए फिर एक से डेबिट किया दूसरे में भेजना, तो डेबिट करने के लिए उसको टीपीएन चाहिए होता है। तो अभी बेसिकली डिपॉजिट सीडीएसएल प्रोसेस नहीं कर पा रही थी ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट, तो इसलिए चर्चा में आया है। तो आई होप ये पर्टिकुलर छोटा सा न्यूज आपको कवर हो गया होगा। ये डब्ल्यूएचओ का अपन बाद में देखेंगे, ये भी बाद में देखेंगे अपन, आगे दिया डिटेल में अगले पेज पे आगे। देखो, आप सभी को पता है कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी पूछ सकते हैं, ऐसे प्रश्न भी न्यूज में रहते हैं। उसके अलावा दो काम की चीज देखते हैं अभी फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, टेक्निकल न्यूज है, ये तो सभी एग्जाम्स के लिए काम किया। देखो, आप मत सोचो कि सिर्फ और सिर्फ आरबीआई सीबी वगैरह के लिए है। देखो, एक नया टर्म है न्यूज में, मेटावर्स। मैंने सब इस आर्टिकल को रिसर्च किया, मेटावर्स के अराउंड काफी न्यूज है, सब लीडिंग न्यूज पेपर्स में कवर किया है, ठीक है। बेसिकली मेटावर्स क्या होता है और इसके अंदर क्या बातें की गई है। मेटावर्स एक बेसिकली एक स्पेशल एक टेक्नोलॉजी है जिसके तहत आप नोटिफाई हो सकते हो आप अगर कोई बड़ी गलती करने जा रहे हो उससे पहले, ठीक है। तो बेसिकली AI पावर डिवाइसेस कुड हेल्प यू लोकेट कीज, कुक और टीच म्यूजिक, ठीक है। अब बात करते हैं भाई मेटावर्स क्या होता है। ये सब तो इसकी खूब बातें की गई कि ऐसा कर सकता है, वो सब कर सकता है। तो मेटावर्स की डेफिनेशन यहाँ दी गई है। बेसिकली मेटावर्स क्या बोलते हैं, ऐसे ही मतलब इंटरनेट को अगर वर्चुअल रियलिटी पावर वर्ल्ड, इसको बोलते हैं मेटावर्स। उसमें क्या होता है, बेसिकली आप स्मार्ट ग्लासेस पहनेंगे और आपके लिए सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। ये ग्लासेस आपको बेसिकली कैसे कुक करना है, कैसे बांसुरी बजाना है और सर्जियंस को कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस में भी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। अब तो फ्रेंड्स बेसिकली अभी एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया फेसबुक ने, ईगो 4D, याद रखना इसको, काफी चर्चा में है। ईगो 4D किसका प्रोजेक्ट है, फेसबुक का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। अगर इंडिया से बात करते हैं तो इंडिया से एक संस्था है IIIT, ठीक है, IIIT, यहाँ पे फुल फॉर्म इसकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये पार्टिसिपेट कर रही है इस इनिशिएटिव का। इस पर्टिकुलर जो बेसिकली प्रोजेक्ट के तहत कुकिंग से लगा के एग्रीकल्चर मैकेनिकल वर्क सब में ही बेसिकली कुछ ना कुछ सहायता के लिए देखा जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, आपको पता रहना चाहिए। आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज स्टेट पीसीएस में टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक का पार्ट है, तो आप वहाँ पे कोट कर सकते हो। बाकी आर्टिकल बोल बच्चन गिरी किए गए, लेकिन टेक्निकल थिंग्स आप लिख सकते हो, आपके आंसर में मौजूद आता है इस चीजों से। अगला देखो, एनसीएलटी के बारे में अराउंड न्यूज है।
काफी दिनों से इसमें काफी वैकेंसी पोस्ट बेसिकली है ना खाली थी, इसलिए अभी सरकार ने स्टार्ट किया है फिलिंग वैकेंसीज, तो इसलिए चर्चा में है। आईबीसी जो उसका बेसिकली एडजुकेटिंग अथॉरिटी है, और यहाँ पे एलिजिबल क्राइटेरिया दिया है। मैं इतना आई थिंक इस लेवल पे तो नहीं पूछेंगे, लेकिन देखो दो तरीके के मेंबर होते हैं जो मोस्टली जो बॉडीज रहते हैं, उनमें तो जुडिशियल रहते हैं, टेक्निकल रहते हैं। जुडिशियल मेंबर्स में वही रहता है कि वो हाई कोर्ट का जज हो, या फिर एक जुडिशियल मेंबर एनसीएलटी 5 साल के लिए हो, 10 साल के लिए एडवोकेट हो और काफ़ी एक्सपीरियंस हो लॉ रिलेटेड चीज़ों में। और टेक्निकल मेंबर के लिए बोला 25 साल का एक्सपीरियंस हो लॉ, इंडस्ट्रियल फाइनेंस, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन, इन्वेस्टमेंट, अकाउंटेंसी और मैटर स्कूल का एनसीएलटी। बेसिकली आप कोई भी ऐसी बॉडी देखेंगे ना, उनमें दो तरह के मेंबर्स होते हैं, जुडिशियल्स और टेक्निकल मेंबर्स। तो मैं मुझे लगा कुछ बता देता हूँ हल्का सा, आपको थोड़ा आइडिया रहे। अभी तो नहीं पूछ रहा, लेकिन आने वाले टाइम ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरे फ्रेंड्स का भी फुल फॉर्म पूछ लेता था, कैपेक्स की फुल फॉर्म कुछ टाइम पहले पूछी थी, तो आपको पता रहनी चाहिए। अगला दोस्तों, एक पीएलआई स्कीम काफी चर्चा में है, तो बजट के यहाँ से तो पूछा भी गया था, जो बजट में अनाउंस किया पीएलआई स्कीम कितने 3 सेक्टरों के लिए थी, कितना इसका लेआउट है 1.97 लाख करोड़, और उसके बाद में भी जो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अनाउंस किया ना, उसके लिए देर का क्या क्राइटेरिया है। अगर मतलब इसमें दो पार्ट दिए गए, पहले पार्ट में 300 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट आपको प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट एटसेट्रा इन सब में तो आप अप्लाई होंगे, और पहले पार्ट के अंदर आपको जो 15% इंसेंटिव मिल सकता है फर्स्ट ईयर में, उसके बाद में बाकी 4 साल तक मिलेगा आपको 1-1% घटा के। और सेकंड पार्ट के अगर आपका इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से ज़्यादा है तो आप 11% से स्टार्ट होगा इन्वेस्टमेंट। तो इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना इसको, ठीक है। पीएलआई स्कीम जो काफ़ी चर्चा में है, आपको इसके अराउंड चीज़ें पता रहनी चाहिए। दो तीन छोटी छोटी न्यूज़ यहाँ पे, एक तो LIC का भी पूछा था, IPO हो रहा था न्यूज़ में था इसलिए भी, और दूसरा भी एयर इंडिया को बेचा है, काफ़ी प्राइवेटाइजेशन चल रहा है। तो डीपाम की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, और इनके जो फिलहाल सेक्रेटरी है तू इनकांता पांडे जी, वो भी उनका नाम पूछा जा सकता है। और इसके अलावा यहाँ पे मैं इस आर्टिकल में कुछ काम का नहीं है, बस GDP एस्टिमेट आप अलग से ही कवर कर लिया होगा। यहाँ पे बोल बच्चन की गई कि इकोनॉमी सब ये सब हो रहा है, अच्छा हो रहा है, सब बातें की है, उस एजेंसी ने ऐसा बोला है, तो कुछ काम का है नहीं अपना। आप ये देख लो कि अभी रिसेंटली IMF और RBI ने 9.5% ग्रोथ प्रोजेक्शन किया था अगले साल के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगले आइटम पे चलते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है जो कि आप गलत कर सकते हैं और क्वेश्चन भी आ सकता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी। पहले तो एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, जैसे मान लीजिए चाइना से कोई प्रोडक्ट्स आते हैं, चाइना से बेसिकली जैसे इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहा है कुछ प्रोडक्ट, जैसे मान लो कुछ एक आइटम है जो कि 100 रुपये का है, वहाँ पे चाइना के मार्केट में खरीद रहे हो, तो लेकिन उसी को जो चाइना बेसिकली डंप कर रहा है सस्ते दामों में, यहाँ पे मतलब सब्सिडी वगैरह दे के यहाँ डंप कर रहा है, मान लो मतलब अगर मान लो उस पर्टिकुलर आइटम को यहाँ पे 100 की जगह 50 रुपये में ही मिल रहा है, तो उससे बेसिकली क्या है, हमारी जो इंडस्ट्री डोमेस्टिक इंडस्ट्री वो इफेक्ट होगी। तो बेसिकली ऐसे सब जो मेजर्स होते हैं ना, उनको जो डंपिंग करते हैं वो लोग हमारे, उनको रोकने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं। ठीक है, समझ में आया। यानी कि जो बाहर के जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर यहाँ पे काफ़ी मात्रा में सस्ते दामों में उनके मार्केट के बजाय दिए जाते हैं, तो उनको रोकने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंटी डंपिंग लगाती है। अभी फिलहाल चाइना से जो एरिलाइट्स जो प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनके ऊपर लगाया है, तो एरिलाइट के बारे में दिखा गया है, बेसिकली येलो पिगमेंट्स बनाने के लिए काम में ले जाता है, इंडस्ट्री पेपर, प्लास्टिक, टेक्सटाइल्स में भी ये काम में आता है, डाइज, पेंट्स, ये सब बनाने में। तो आपको टेक्निकल साइंस ट्रैक के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो आप देख सकते हो एरालाइड्स क्या होते हैं टेक्निकल टर्म्स के लिए, UPSC वगैरह के लिए, और आपको अगर बैंकिंग के लिए ध्यान रखना है तो ये कौन से देश से, ये भी ऐसा पूछा जा सकता, संभावना है आने वाले टाइम में ये पूरा दे देगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया इस प्रोडक्ट के ऊपर, बताओ कौन से देश से प्रोडक्ट इम्पोर्ट होते थे, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और अपन ने देखा है तो इनकांता सेक्रेटरी जो है पांडे जी हैं, डीपाम सेक्रेटरी। उसके अलावा कुछ दिनों पहले मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया था न्यूज में, याद रखना। उसके अलावा यहाँ पे CPI में फूड एंड बेवरेजेस का इंडेक्स दिया, वेटेज दिया 45.9, ऐसी चीज याद रखना। अरे इसको आप जानते हो, राकेश झुंझुनवाला जी 2-3 दिन में आ ही जाते हैं, मतलब काफी मतलब पोस्टर बॉय है शायद द हिंदू बिजनेस लाइन के। यहाँ पे DRHP की फुल फॉर्म दिया, याद रख लेना। यहाँ पे बेंगलुरु बेस्ड ब्रिक वर्क रेटिंग एजेंसी न्यूज में, बेंगलुरु बेस्ड ध्यान रखना। यहाँ पे फ्रेंड्स कॉटन का MSP काफी चर्चा में है, क्योंकि किसानों ने मांगा कि जिस स्वामीनाथन पैनल ने 9000 बताया उतना दो, कॉटन का MSP अब इतना है 6025 तो लॉन्ग स्टेपल के लिए, 5720 है मीडियम स्टेपल के लिए। एक तो केरला के 10 डैम न्यूज में है, अभी याद रखना इडुक्की वगैरह,
और एक नाबार्ड और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने 1,000 करोड़ रुपए का ट्रस्ट फंड लॉन्च किया है। नाब संस्करण नाम की एजेंसी है, सब्सिडियरी, याद रखना इसको, इम्पोर्टेंट है एफपीओज को प्रमोट करने के लिए।